हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक सीरियस विषय पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब चला था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ देखिए वो न्यूज़ है। यहाँ पूरे सत्र में लैब का ताला तक नहीं खुला है और प्रयोगात्मक परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। मतलब कि स्टूडेंट अभी तक लैब का चेहरा तक नहीं देखे हैं और प्रैक्टिकल परीक्षा देने वाले हैं। ये हाल है यूपी बोर्ड का। तो चलिए पूरी खबर को जानते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 की कड़ी में इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा 15 दिसंबर से होने वाली है। आगरा जिले में तमाम विद्यालय ऐसे हैं जिसमें अभी तक प्रैक्टिकल लैब के ताले तक नहीं खुले हैं, विद्यार्थियों के उनको कदम नहीं रखा है, लेकिन बोर्ड की व्यवस्था के अनुसार परीक्षार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होना बड़ी चुनौती होगी। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर हम ये सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी सुधार नहीं होने वाला, इसलिए हमें ज़रूर बोलना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस पर कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या बोर्ड को कुछ बदलाव करना चाहिए, टीचर को बदलाव करना चाहिए। मतलब कि लैब में बच्चे अभी तक कदम तक नहीं रखे हैं और को बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, बताए कैसे कर पाएंगे वो प्रैक्टिकल, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दूं कि कल से वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना।